आप देख रहे हैं मुसर्रत टाइम्स लाइव। एक नजर आज की इस विशेष रिपोर्ट पर। यूपी में दूसरी बार बड़ा फेरबदल, 14 आईपीएस अधिकारियों का तबादला, इनमें 9 जिलों के कप्तानों को भी किया गया इधर से उधर। इस पर हमारे संवाददाता दिलीप यादव की एक विशेष रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 15 अप्रैल 2022 को दूसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण लेने के साथ योगी सरकार ने 9 आईपीएस के ट्रांसफर किए। एक सप्ताह में दूसरी बार तबादले हुए। बीते गुरुवार को 14 आईपीएस अधिकारी की तबादले किए गए। इसमें 9 जिले के पुलिस कप्तान भी शामिल है। हाथरस जिले के पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल को अमरोहा जिले का पुलिस कप्तान बनाया गया था। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी सरकार की दोबारा वापसी के बाद से लगातार योगी आदित्यनाथ सक्रिय मोड़ में है। यही वजह है कि भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई के साथ ही ट्रांसफर की रहे हैं। गुरुवार को यूपी शासन ने 9 आईपीएस अधिकारी को ट्रांसफर कर दिया। इसमें 7 एडीजी स्तर के अफसरों के साथ 1 डीआईजी और एसपी स्तर के अफसर शामिल है। प्रदेश की योगी सरकार ने तत्काल प्रभाव से ट्रांसफर और नियुक्तियों को लागू कर दिया है। इनको मिली यहां तैनाती आईपीएस आनंद अजय आनंद को एडीजी प्रशिक्षण, सुल्तानपुर ज्योति नारायण एडीजी प्रशिक्षण जालौन, रवि जोसेफ एडीजी पीटीसी मुरादाबाद, अशोक कुमार सिंह एडीजी यूपी 112, अशोक कुमार को एडीजी यातायात एवं सड़क सुरक्षा का अतिरिक्त प्रभार, मनमोहन कुमार एडीजी अपराध शाखा, सतीश कुमार माथुर एडीजी रूल्स एवं मैनुअल, सतीश कुमार को एडीजी मानव अधिकार का अतिरिक्त प्रभार, के एस प्रताप कुमार एडीजी पीएस मुख्यालय लखनऊ, सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी डीआईजी सतर्कता अधिष्ठान लखनऊ, विजय ढोल एसपी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी मुरादाबाद बनाया गया है। वही बीते गुरुवार को 14 आईपीएस अधिकारी की तबादले किए गए थे। इसमें 9 जिलों के पुलिस कप्तान भी शामिल थे। हाथरस जिले के पुलिस अधीक्षक विनय जायसवाल को अमरोहा जिले का पुलिस कप्तान बनाया गया था। उन्होंने पूनम का स्थान लिया था, जिन्हें एसपी पद से हटाकर वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। मीट माफिया के विरुद्ध अभियान चला रहे मुरादाबाद के एसएसओ बबलू कुमार को भी वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। इत्यादि। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से दिलीप यादव की रिपोर्ट।